वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मींस पार्टनर्स के बीच अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। इससे पहले हमने गुडविल का कैलकुलेशन सीख लिया। गुडविल जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मींस ऐसा नहीं कहा गया कि वो फिक्स्ड है कैपिटल, तो आप एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, मींस पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो देख लीजिए, इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री में देखिए क्या चेंज आएगा, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। कब, जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। अदरवाइज हमारा जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तब आपकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। तो देखिए यहां पे अब हमें क्या करना है, पहले जब भी हम गुडविल का ट्रीटमेंट करने जाएंगे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर। तो अब जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर। अब बात आती है कि इस एंट्री को आप कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे। तो देखिए हम एज्यूम कर लें कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। एज्यूम कर लीजिए ए बी सी, ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। ठीक। तो हमारे पास इनमें से कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए एंड बी गेन कर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक। आ गई बात समझ में। अब यहां पे ए और बी गेन कर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर। तो देखिए अब हमारा जब सी सैक्रिफाइस कर रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी देखिए एंट्री क्या बनेगी, यहां पे एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ये हो गई इनकी एंट्री। क्लियर। अब यहां पे हमारा अमाउंट हो गया। ठीक। तो अमाउंट देखिए, जो भी एक हमने एज्यूम किया कि ये अमाउंट था कुछ, तो ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। अब इस अमाउंट को हम कैसे कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हमारा आएगा तीन पार्टनर है, एक दो तीन, फिर यहां से हमारा पर्टिकुलर वन टू थ्री, तीन पार्टनर यहां हो गए, ए बी सी, ए बी सी तीन पार्टनर हो गए। क्लियर। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। हम बना क्या रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक।
देखिए अब हम कैसे इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्या करना है, जब हम सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमने सी को हटा दिया, बचा क्या हमारे पास ए और बी, ए और बी यहाँ डेबिट में है, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट साइड। कोई भी चीज़ जब जनरल एंट्री में डेबिट होती है तो लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, जैसा कि हमने 11th में पढ़ा था। ठीक, तो ये दोनों आपका क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, और अमाउंट कहाँ आएगा, सी के कॉलम में, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सी क्या कर रहा है, क्रेडिट में है, जब इसे हम लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्या आ जाएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए और बी में कितना आ जाएगा, जो ए के सामने अमाउंट हो ए में, जो बी के सामने है वो बी में, जो यहाँ पे ए में है वो ए में आ जाएगा, जो बी में है वो बी में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट? तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी और इस तरह से हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए ये सारी चीज़ ट्रांसफर कर दी हमने, अब बात आती है अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन में अमाउंट गिवन हो, एज्यूम कर लीजिए कि हमें गुडविल का अमाउंट, हमने एज्यूम किया है कि हमें एक फर्म है उसका गुडविल का अमाउंट गिवन है, गुडविल का अमाउंट गिवन है हमारा 40,000। ठीक, और हमें गिवन है कि जो ए गेन कर रहा है, ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 से, ठीक, और सी गेन कर रहे हैं 1/10 से, और सी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 से। ठीक, तो देखिए अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, हम कैलकुलेट कर लें, ए का हमें जैसे कैलकुलेट करना है तो 40,000 इंटू 1/10, जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते होंगे तो ऐसे ही कुछ डिजिट आता है हमारा, 1/10, 2/10, ऐसा कुछ जो भी डिजिट जो आएगा उसको एज इट इज़ यहाँ लिखना है, 1/10 है तो एज इट इज़ 1/10, 1/30 है तो 1/30 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया आपने 4,000 आ गया आपका। क्लियर, इसी तरह से आपने बी का भी कैलकुलेट कर लिया, 40,000 इंटू 1/10, क्योंकि बी भी 1/10 गेन कर रहा है तो इसका भी आ जाएगा 4,000। क्लियर, और सी का आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8,000 आएगा ऑटोमेटिकली, देख लीजिए कैसे, 40,000 इंटू 2/10, 0,0 कट कर दीजिए, आपका 8,000 आ गया। क्लियर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब हम अमाउंट पोस्ट करेंगे तो ए और बी में अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे 4,000, और यहाँ पे भी अमाउंट आपका क्या आ जाएगा, ए के सामने आ जाएगा 4,000 और बी का भी 4,000, बट आएगा किसमें, सी के कॉलम में। क्लियर, और अगर हम इस अमाउंट को यहाँ जनरल एंट्री में पोस्ट करें तो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से आएगा, 4,000 एंड 8,000। क्लियर, तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।